सात महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा, और आज हालात ये हैं। चलो भाई। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं। आवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाओ मार्च कर किरदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी आवाम को रिलीफ देना।